म्यांमार में अपने दौरे के आखिरी दिन पीएम मोदी ने यांगून के श्वेदा गोन पगोडा पहुंचे। इस दौरान पीएम ने मंदिर में दर्शन किए। श्वेदा गोन पगोडा को म्यांमार का एक बेहद प्रसिद्ध धार्मिक स्थल माना जाता है। 1993 मुंबई ब्लास्ट केस में टाटा कोर्ट आज दोषियों की सजा का ऐलान करेगा। अबू सलेम समेत सभी 5 आरोपियों को सुनाई जाएगी सजा। भारतीय वायुसेना ने रूसी S-400 डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण कर लिया है और अब जल्द ही ये रूस से भारत को मिल जाएगा। S-400 डिफेंस सिस्टम क्रूज मिसाइल और ड्रोन को दुश्मन के हवाई क्षेत्र में ही मार गिराने में सक्षम। मोदी सरकार जल्द ही विधवाओं, दिव्यांगों और सीनियर सिटीजन को मिलने वाली पेंशन राशि में बढ़ोतरी कर सकती है। जीएसटी की कमाई के आंकड़े सामने आने के बाद इस पर फैसला लिया जाएगा। केंद्र सरकार ने इसके लिए खाका कर लिया है तैयार। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पूर्वी आर्थिक मंच में हिस्सा लेने के लिए रूस पहुंची। उन्होंने कार्यक्रम में एक सभा को किया संबोधित। सुषमा स्वराज उप प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर रूस की यात्रा पर आई हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या की निंदा की और कहा कि उनके परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। इस मामले में जल्द जांच करके न्याय दिलाना चाहिए। पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने साधा बीजेपी पर निशाना। राहुल गांधी ने कहा कि जो बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ आवाज उठाते हैं उन्हें पीटा जाता है, उन्हें मार दिया जाता है और आरएसएस बीजेपी सच्चाई को दबाने की कोशिश कर रही है। पत्रकार गौरी लंकेश की मौत मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा कि कुलबुर्गी, पंसारे और दाभोलकर की हत्या में भी ऐसे ही हथियारों का इस्तेमाल हुआ था। साथ ही बताया कि गौरी लंकेश हाल ही में मुझसे मिली थी लेकिन किसी धमकी के बारे में नहीं बताया। गौरी लंकेश की हत्या के मामले में डीवी सदानंद गौड़ा ने कहा कि कर्नाटक सरकार को वरिष्ठ पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या का मामला सीबीआई को सौंप देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सरकार पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के कार्यक्रम के लिए जगह न देने का लगाया आरोप। बीजेपी की ओर से कहा गया है कि अमित शाह के कार्यक्रम के लिए कोलकाता में पार्टी ने कई स्थानों के लिए अप्लाई किया लेकिन जगह पक्की नहीं हो पाई। टेरर फंडिंग केस में एनआईए की टीम ने 12 जगहों पर छापेमारी की। इसमें दिल्ली, गुड़गांव और श्रीनगर राज्य शामिल हैं। बिहार के गया में 16 महीने पहले हुए आदित्य सचदेवा रोड रेस केस में जेडीयू ने निलंबित एमएलसी मनोरमा देवी के बेटे रॉकी यादव को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने रॉकी यादव समेत 2 अन्य आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा दी है। हरियाणा के सिरसा डेरा सच्चा सौदा के अंदर की तस्वीर आई सामने। हाई कोर्ट ने डेरे की तलाशी का आदेश दिया था। गोरक्षकों पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। सुप्रीम कोर्ट ने गोरक्षा के नाम पर हिंसा किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं करने की बात कही है। कोर्ट ने हर राज्य को 7 दिन में टास्क फोर्स का गठन करने के लिए कहा है। मुंबई के जुहू इलाके में एक निर्माणाधीन इमारत में सिलेंडर फटने से 6 मजदूरों की मौत, 11 मजदूर गंभीर रूप से जख्मी। हादसे के बाद सभी घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल। आग किस वजह से लगी ये अभी तक साफ नहीं हो सका है। जोधपुर में अनुशासन का पाठ पढ़ाने के लिए एक शिक्षिका ने 3 छात्राओं की चोटी काट दी। शिक्षिका ने छात्राओं को स्कूल में 2 चोटी बनाकर आने को कहा था लेकिन छात्राएं चोटी बनाकर नहीं आती थी, इसलिए शिक्षिका ने ऐसा किया। छात्राओं के अभिभावकों ने इस घटना पर नाराजगी जताई। पंजाब के गुरदासपुर के बटाला में एक विवाहित महिला अपनी इज्जत बचाने के लिए गुंडों से भिड़ गई। जब महिला ने शोर मचाया तो आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए। गुंडों की जमकर पिटाई की। गुंडों के मुंह पर गोबर लीप दिया। लोगों ने इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कानपुर के दौरे पर रहेंगे। सीएम लगभग 800 करोड़ की योजनाओं का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। कारगिल पार्क में स्वामी विवेकानंद जी की विशाल मूर्ति का भी अनावरण करेंगे। लखनऊ में कान्हा इंटरनेशनल स्टेडियम पूरी तरह से तैयार हो चुका है। आज इसी स्टेडियम में दिलीप ट्रॉफी 2017 का पहला मैच खेला जाएगा। बताया जा रहा है कि पहला मैच पिंक बॉल से खेला जाएगा। यूपी में फिर एक बड़ा रेल हादसा सामने आया। हावड़ा से जबलपुर जा रही शांतिगुंज एक्सप्रेस के 7 डिब्बे उतरे पटरी से। हालांकि इस हादसे में अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं। ये छपराकुंड रेलवे स्टेशन के पास की घटना बताई जा रही है। बरेली के SRMS मेडिकल कॉलेज में छात्रा ने आत्महत्या कर ली। छात्रा का शव हॉस्टल के एक कमरे में पंखे से लटकता मिला। हैरानी की बात तो यह रही कि पुलिस को घटना के करीब 5 घंटे बाद इसकी सूचना दी गई। छात्रा नोएडा सेक्टर 62 की रहने वाली थी। फरुखाबाद कोतवाली के नई बस्ती इलाके में टाइम बम मिलने से मचा हड़कंप। बम एक लेखपाल के घर के बाहर मिला। इसके बाद पुलिस को बम की सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची, आसपास के इलाके को कराया खाली। गाजियाबाद के साहिबाबाद के राजीव कॉलोनी में धागा और प्लास्टिक के गोदाम में भीषण आग लग गई। इसके बाद दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है।
नोएडा सेक्टर 68 में हल्दीराम फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जहां आग लगते ही सभी कर्मचारियों को फैक्ट्री से निकाला गया। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। नोएडा में अंतरिक्ष गोल्फ व्यू 2 की सोसाइटी गोल्फ 1 की दीवार पर जनरेटर गिर गया, जहां जनरेटर गिरने से पीछे बनी झुग्गी पर दीवार गिर गई। मलबे में 5 लोग दब गए। हादसे में मां बेटी की मौत की खबर। सीतापुर के एलिया ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय पारा में घुन वाला चावल खाने से बच्चे बीमार हो गए, जिसके बाद बच्चों को घर भेजा गया। रसोइये से इस बारे में पूछा गया तो उसने खुलासा किया, चावल कम थे इसलिए उसने घुन लगे चावल बनाए और बच्चों को खिलाए, जिसके चलते बच्चों को उल्टियां लग गई। रायबरेली के हरचंदपुर थाना क्षेत्र में जहरीली शराब पीने से एक शराबी की मौत। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस इस बात की सुराग लगाने में जुटी है कि मृतक आखिर कहां से शराब पीकर आया था। हापुड़ के धौलाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर स्वास्थ्य सेवाएं दम तोड़ती नजर आ रही हैं। यहां बुखार से पीड़ित एक बच्चा अस्पताल की फर्श पर तड़पता रहा, उसकी मां डॉक्टर से इलाज की गुहार लगाती रही, लेकिन किसी भी डॉक्टर ने बच्चे को देखने तक की जहमत नहीं उठाई। मेरठ में पतंगबाजी के विवाद में दो पक्ष आपस में भिड़ गए, जहां एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। दो सगे भाई गोली लगने से जख्मी हो गए। घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार। लखनऊ में प्रॉपर्टी के विवाद में वकील की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बीच बचाव करने आए परिजनों से भी आरोपी ने मारपीट की। पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर शुरू कर दी है कार्रवाई। मुरादाबाद के बुद्ध बाजार स्थित होटल ऐश्वर्या में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब कोतवाली पुलिस ने देह व्यापार चलाए जाने की सूचना पर होटल में की छापेमारी। छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से 2 लड़के और 2 लड़कियां हिरासत में लिए। साइबराबाद इलाके में रहने वाली नाबालिग लड़की को उसी के पड़ोस में रहने वाली एक महिला ने चंद रुपयों के लिए लड़की को बेच डाला था, जिसके बाद लड़की के साथ गैंगरेप किया गया। उस वक्त पुलिस ने आरोपियों को पकड़ भी लिया था, लेकिन पीड़िता के पिता का आरोप है कि पुलिस ने आरोपियों से पैसा लेकर इन्हें बाद में छोड़ दिया था। लखीमपुर खीरी की गोला कोतवाली में तैनात रही महिला आरक्षी को गोला कोतवाली में आवाज दिया गया था, जहां 2 प्रेमी युगल अनुरंगरलिया मनाते पकड़े गए। हालांकि पहले तो पुलिस ने इस घटनाक्रम से इनकार कर दिया। फिरोजाबाद में मोती बनाने की फैक्ट्री के अंदर अवैध रूप से चल रही पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट होने से करीब 1 दर्जन लोग जख्मी हो गए, और तो और विस्फोट में भीषण आग लगने के साथ साथ फैक्ट्री की छत भी गिर गई। अमरोहा में पुलिस ने नकली नोट छापने वाले 2 शातिर युवकों को किया है गिरफ्तार। इनके पास से 5 लाख रुपए से ज्यादा के नकली नोट मिले हैं। पुलिस ने इनके पास से नोट छापने की मशीन भी जब्त की है। पुलिस युवकों से पूछताछ में जुटी है। गोंडा में एक युवती का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। इस मामले में हत्या की आशंका जताई जा रही है। लाश के ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डालकर पहचान छिपाने की कोशिश की गई है। पुलिस ने फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शामली में बड़ौद नदी के पुल के पास 2 ट्रकों की भिड़ंत। भिड़ंत की वजह से एक ट्रक में लगी भीषण आग। आग में ट्रक चालक और उसका कंडक्टर बुरी तरह से जला। दोनों ने मौके पर ही तोड़ दिया दम। हादसे की सूचना पर सदर कोतवाली पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची मौके पर। फरुखाबाद का जिला अस्पताल सवालों के घेरे में। 13 अगस्त को अपने मासूम को अस्पताल की लापरवाही से खो चुके गुलफ्सा का आरोप है कि उनके बच्चे के इलाज के लिए नर्सों ने उनको बहुत परेशान किया। बात नहीं मानने पर बच्चे का ऑक्सीजन मास्क हटा दिया, जिससे बच्चे की मौत हो गई। इटावा के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में प्रशिक्षु अध्यापिका की बदमाशों ने गोलियों से भूनकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। कुशीनगर में 2 लोगों को के बीच हुए मामूली विवाद के बाद चाकूबाजी में एक युवक की मौत। ये वारदात एसपी के घर से 100 मीटर की दूरी पर हुई। इस वारदात के बाद दोनों पक्षों के लोगों ने नेशनल हाईवे 28 को जाम कर दिया। इसके बाद मौके पर एसपी पहुंचे, परिजनों को समझा बुझाकर मामला कराया शांत। हमीरपुर में 24 घंटे में जिले के अलग अलग इलाकों में 4 जगह गोली कांड हुआ, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 2 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। एक किसान को उसी के सगे भाई ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया और फरार हो गया। मदावाल के ठाकुर द्वारा में पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की गला घोटकर हत्या कर दी। हत्या कर शव को गन्ने के खेत में फेंक दिया। पुलिस ने मौके से मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया और मामले की छानबीन शुरू कर दी है। लखनऊ के विकास नगर में व्यापारी प्रदीप अग्रवाल ने अपने घर की तीसरी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि प्रदीप अग्रवाल के खिलाफ वारंट जारी हुआ था। उनके खिलाफ रांची में एक फैक्ट्री में गड़बड़ी करने और साजिश घोटाला करने का आरोप के तहत मामला दर्ज था।
ग्रेटर नोएडा के बादलपुर थाना क्षेत्र में ट्रेन से कटकर तीन युवकों ने सुसाइड कर ली। शराब पीने को लेकर परिवार के डांटने के बाद की आत्महत्या। ट्रेन की पटरी से पुलिस को शवों के साथ शराब की बोतल भी मिली। बदायूं में शिक्षक पिता की मृत्यु के 7 साल बाद भी नौकरी न मिलने के कारण एक युवक ने बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के बाहर परिवार समेत आत्महत्या की कोशिश की, लेकिन पहले से ही वहां मौजूद पुलिस ने इस कोशिश को नाकाम कर दी और सभी को पकड़कर ले गई थाने। संभल में एक मंचले की स्थानीय लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। मंचला एक छात्रा को परेशान करने की कोशिश कर रहा था। पिटाई के बाद मंचले को पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। मुजफ्फरनगर में एंटी रोमियो स्क्वाड की इंचार्ज मीनाक्षी शर्मा ने स्कूल जाने के समय खुद सड़क पर निकलकर मजनू की क्लास लगाई। उन्होंने किसी को उठक बैठक लगवाई तो किसी को तमाचे रसीद किए, जिससे स्कूल कॉलेज के आसपास खड़े होने वाले युवकों में अफरा तफरी मच गई। बदायूं में द्रौपदी देवी इंटर कॉलेज के एक शिक्षक ने कक्षा 8 के छात्र का ट्यूशन न पढ़ने के लिए हाथ तोड़ डाला, उसकी बेरहमी से पिटाई की। फिलहाल पुलिस ने छात्र की शिकायत पर शिक्षक के खिलाफ दर्ज कर लिया मामला। शिक्षक फरार। मुजफ्फरनगर में पुलिस कर्मियों ने सवारी बिठाने को लेकर रोडवेज के परिचालक को पीट डाला। पीट पीट कर पुलिस कर्मियों ने उसे लहूलुहान कर दिया। इसके बाद रोडवेज कर्मियों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने बसें खड़ी कर चक्का जाम किया। पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। संभल में बेरोजगारी से परेशान युवक ने भगत सिंह की मूर्ति तोड़ डाली और जमकर किया हंगामा। इस दौरान नाराज स्थानीय लोगों ने उसके हाथ पर बांध डाले, फिर उसकी जमकर पिटाई की। फिलहाल पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया है। बागपत के दोगढ़ इलाके में राशन डीलर के चयन के लिए हुई खुली बैठक में जमकर संघर्ष देखने को मिला। प्रशासनिक अधिकारियों के सामने दो पक्षों में हुई जमकर मारपीट। इस संघर्ष में 8 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। घायलों को इलाज के लिए पहुंचाया गया अस्पताल। उन्नाव के सरस्वती मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कराने आए छात्रों और उनके अभिभावकों का हंगामा देखने को मिला। अभिभावकों ने उन्नाव लखनऊ रोड को जाम करने की कोशिश की। छात्रों का आरोप है कि नीट की रैंक की अनदेखी कर एडमिशन लिए जा रहे हैं। सहारनपुर में रिश्वतखोर पटवारी का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में रिश्वतखोर पटवारी किसानों से 300 रुपए की रिश्वत मांग रहा है और रिश्वत न देने पर काम करने से मना कर रहा है, जबकि उसके बराबर में बैठी महिला लेखपाल भी रिश्वतखोर पटवारी का पक्ष ले रही है। हमीरपुर के रात में बाइक सवार बदमाशों ने सराफा व्यापारी से लूट की वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि व्यापारी दुकान बंद कर रहा था कि तभी बाइक सवार बदमाशों ने सराफा व्यापारी पर फायरिंग की, जिसमें व्यापारी बाल बाल बच गया। फिरोजाबाद थाना टूंडला पुलिस ने अपने क्षेत्र के उसाइनी चौराहे के पास से 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। जांच में पता चला कि लुटेरों पर 7 अभियोग पंजीकृत हैं, जिसमें अपहरण और हत्या का मुकदमा भी शामिल है। इनके पास से 1 तमंचा और 4 जिंदा कारतूस समेत लगभग 4,000 की नकदी भी बरामद हुई है। मऊ जिले के मधुबन थाने की पुलिस के हाथ लगी है बड़ी कामयाबी। पुलिस ने कई चोरियों में संलिप्त 4 शातिर चोरों को किया है गिरफ्तार। साथ ही उनके पास से 2 तमंच और 7,000 रुपए नगद समेत चोरी करने के कई हथियार भी बरामद किए। यूपी की बलरामपुर पुलिस ने कैसे शातिर ठग को किया है गिरफ्तार, जो कई जिलों के भोले भाले लोगों को लालच देकर लाखों का चूना लगा चुकी है। आरोपी से पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ कि उसने अब तक कई जिले के लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाया है। विधायक बरेली के मुंशीगंज जेम्स में उस वक्त हड़का मच गया जब निर्माणाधीन भवन में काम करे मजदूर का पंखे से लटका हुआ शव मिला। आसपास के लोगों ने जैसे ही शव देखा पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को पंखे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सीएम योगी की योजनाओं को परिता लगाने में अधिकारी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रहे। मामला सीएम के गृह जनपद और नवागत केंद्रीय राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला के गांव रुद्रपुर खजनी का है, जहां 3 महीने पहले निशुल्क बिजली कनेक्शन के नाम पर मीटर लगाए गए थे, मगर आज तक उस मीटर में बिजली का तार नहीं लग सका। जालौन मेडिकल कॉलेज की स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त होती नजर आ रही है। ताजा मामला उस वक्त सामने आया जब मेडिकल कॉलेज में 2.5 घंटे बिजली नहीं रहने से मरीज परेशान दिखे। उस दौरान ईसीडी एक्सरे कुछ भी नहीं हो सका। इस मामले में अब मेडिकल कॉलेज प्रशासन का कोई अधिकारी सामने आने को तैयार नहीं।
सीतापुर के बिसवा में अतिक्रमण हटाने के दौरान दुकानदारों की वहां मौजूद पुलिसकर्मियों से हुई बहस, बहस काफी देर तक चली। इस दौरान वहां आवागमन बाधित रहा। मेरठ के एक सैनिक ने योगी सरकार से इंसाफ की गुहार लगाई है और इंसाफ न मिलने पर आत्महत्या की धमकी दी है। मामला मवाना तहसील के बहसुमा थाना क्षेत्र के अकबरपुर सादात गांव का है, जहां के रहने वाले सैनिक यशवीर सिंह ने सपा सरकार के वक्त अपने पिता चेतराम सिंह पर अवैध खनन का झूठा मुकदमा दर्ज होने का आरोप लगाया है। देश में निकला होगा चांद। गजलों और काव्य संग्रह के अलावा महाभारत जैसे धारावाहिक की पटकथा लिखकर अपना नाम देश के चुनिंदा लोगों में शुमार करने वाले राही मासूम रजा के जन्मदिन पर अफसोस की बात यह रही कि उनके जन्मदिन में उनके ही पैतृक गांव में ना कोई कार्यक्रम रखा गया और ना ही ये दिन किसी को याद है। हाथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने के बाद यमुना भी उफान पर और खतरे के निशान के पास बह रही है, जिसके चलते बागपत में अधिकारियों ने अलर्ट जारी कर दिया है और एक हेल्पलाइन नंबर भी किया है जारी। महाराजगंज के थाना क्षेत्र ब्रजमनगंज के दुर्गा मंदिर लेहड़ा के पास स्थित पोए नाले में मछली मारने के दौरान जाल में 5 फीट का अजगर फंस गया। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम वन रेंज फरिंदा में छोड़ा गया सुरक्षित। सुल्तानपुर में उच्च प्राथमिक अनुदेशक शिक्षक वेलफेयर संघ ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान जमकर नारेबाजी हुई। वेतन न मिलने की वजह से अनुदेशकों में नाराजगी थी। उनका कहना था अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो वो आगे भी धरना प्रदर्शन करेंगे। मिर्जापुर के डीएम कार्यालय के बाहर किसानों ने किया प्रदर्शन। किसान नहर से पानी नहीं मिलने के कारण नाराज थे। किसानों का कहना है कि सिरसी पंप कैनाल से उनके खेतों को पानी नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से दर्जनों गांव की लगभग 4000 एकड़ धान की फसल पानी के अभाव में सूख रही है। आजमगढ़ में शिक्षा मित्रों ने स्कूलों का बहिष्कार किया है, सड़क पर उतर आए। उन्होंने सरकार के निर्णय के प्रति को जलाकर अपना आक्रोश जताया। उस दौरान उन्होंने जमकर हंगामा किया, नारेबाजी की। शिक्षा मित्रों का आरोप है कि सरकार ने उन्हें ठगने का काम किया है। देवमई ब्लॉक और अमौली विकास खंड के सैकड़ों ग्रामीणों ने हाथों में तख्तियां लेकर सरकार की योजनाओं में हो रही धांधली को उजागर करने की कोशिश की। ग्रामीणों की माने तो विकास खंड में कई सरकारी नलकूप मौजूद हैं, जो पिछले कई साल से जरा जरा सी खामियों की वजह से बंद पड़े हैं। वाराणसी में पितृपक्ष के मौके पर लोगों ने अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि दी। बताया जा रहा है कि देश भर में सिर्फ काशी के ही अति प्राचीन पिशाच मोचन कुंड पर त्रिपिंडी श्राद्ध होता है, जो पितरों को प्रेत बाधा और अकाल मृत्यु से मरने के बाद व्याधियों से मुक्ति दिलाता है। इलाहाबाद में पितृपक्ष के पहले दिन हजारों श्रद्धालुओं ने पिंडदान किया और त्रिवेणी की धारा में डुबकी लगाकर अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। पितृमुक्ति का प्रथम और मुख्य द्वार कहे जाने की वजह से प्रयाग में पिंडदान का विशेष महत्व है। वाराणसी पुलिस प्रशासन की तरफ से सुधाकर महिला कॉलेज में आत्मरक्षा को लेकर छात्राओं को विशेष तकनीक सिखाई गई। लड़कियों को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग देने अपनी टीम के साथ पहुंचे एसपी क्राइम ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि बच्चियों की आत्मरक्षा हेतु विशेष तकनीक सिखाई जा रही है, ताकि कोई विपरीत परिस्थितियों का सामना वो कर सके। उत्तराखंड कैबिनेट में कई अहम फैसले लिए गए, जिसमें 35 शहरी निकायों के विस्तार का हुआ फैसला। ऊर्जा विभाग को 7वें वेतन आयोग के लाभ पर मोहर लगी। इसके अलावा खनन में ई टेंडरिंग की व्यवस्था लागू करने के निर्देश के साथ साथ कई अहम योजनाओं पर फैसले लिए गए। धारचूला के विधायक हरीश धामी ने राज्य सरकार पर मालपा में रेस्क्यू बंद कराने को लेकर गंभीर आरोप लगाए। धामी ने कहा कि राज्य सरकार का एक भी नुमाइंदा वहां तक नहीं पहुंचा जहां वास्तव में भयंकर आपदा आई थी। उन्होंने कहा कि मालपा से आगे कई गांव के लोग आज भी लापता हैं, लेकिन सरकार ने हवाई सर्वेक्षण कर रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने पार्टी कार्यालय में होने वाले जनता दरबार पर कांग्रेस के सवालों को बेवजह करार दिया। अजय भट्ट ने कहा है कि जनता के मामले हल होना अहम है, लेकिन केंद्रीय कैबिनेट में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्रियों को जगह नहीं दिए जाने पर विपक्ष लगातार बीजेपी पर सवाल खड़े कर रहा है। ऐसे में प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री
प्रकाश पंत ने विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व पहले ही कैबिनेट में हो चुका है। विपक्ष के आरोपों पर प्रदेश के नगर विकास मंत्री मदन कौशिक ने दिया है जवाब और कहा कि डबल इंजन का प्रभाव लगातार दिखाई दे रहा है। हम जो योजना केंद्र में लेकर जा रहे हैं वहां उसको मंजूरी तो दी ही जा रही है, एडवांस पैसा भी दिया जा रहा है। प्रदेश में पर्यटन विभाग के विज्ञापन में सीएम की फोटो न होने पर विवाद और बढ़ गया है। इस मामले पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यह भूल हुई है और आगे से ऐसी गलतियां नहीं होंगी। इस मामले पर कांग्रेस ने चुटकी लेते हुए कहा कि सरकार में कोई भी किसी से कम नहीं समझता। पंचेश्वर बांध को लेकर सचिवालय में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की। बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा, सांसद भगत सिंह कोश्यारी, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज भी मौजूद रहे। भारत और नेपाल के बीच बनने वाला पंचेश्वर बांध लगातार चर्चाओं में है। पौड़ी का जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज में कॉलेज की मेस टेंडरिंग को लेकर कॉलेज प्रशासन और कैटर्स के बीच विवाद शुरू हो गया है। दरअसल नरूला कैटर्स ने कॉलेज प्रशासन पर आरोप लगाया है कि अंदरूनी मिलीभगत और राजनीतिक दबाव के कारण यह टेंडर बाहरी लोगों को दिया जा रहा है। देहरादून में सड़क दुर्घटना की एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसे देख आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जहां एक बस ने स्कूटर सवार को टक्कर मार दी और स्कूटर सवार बस के नीचे जा गिरा। ऐसे में गनीमत ये रही कि स्कूटर सवार किसी तरह से बच गया। नोटों के संग्रह के अनोखे शौक के जरिए हल्द्वानी के एक व्यक्ति ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में 8 रिकॉर्ड्स दर्ज करा दिए हैं। प्रमोद अग्रवाल गोल्डी नाम के इस व्यक्ति का अगला उद्देश्य अब 8 कारनामों को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज करवाना है, जिसके लिए वो हर संभव प्रयास करने में जुटे हैं। राज्य में शिक्षकों को ड्रेस पहनाना सरकार के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। इस शिक्षकों के ड्रेस कोड पालन के आदेश की आखिरी तारीख थी, लेकिन सरकार के आदेश को ठेंगा दिखाते हुए एक भी शिक्षक स्कूल में ड्रेस पहनकर नहीं पहुंचा। शिक्षक संगठन अपनी जिद पर अड़े हैं। विकासनगर में मंडी समिति अपने परिसर में सफाई व्यवस्था नहीं करा पा रही है, जबकि मंडी समिति ने बाकायदा मंडी परिसर में सफाई व्यवस्था के लिए टेंडर निकाला हुआ है, बावजूद इसके पूरा मंडी परिसर गंदगी से पटा पड़ा है। राजधानी में स्ट्रीट लाइट जलवाने में ही डीएम से लेकर एसएसपी तक के पसीने छूट रहे हैं। राजधानी में बीते 4 महीने से स्ट्रीट लाइट जलवाने के लिए साफ निर्देश दिए जा रहे हैं, लेकिन मामले को लेकर अफसर ही एक दूसरे से सहमत नहीं, तो राजधानी में कोऑर्डिनेशन क्या होगा और काम क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। बीआरओ सीमा सड़क संगठन ने ऑल वेदर रोड की गति को सुस्त कर दिया है। बीआरओ ने टिहरी जिला प्रस्ताव 14 अगस्त तक देना था, लेकिन अभी तक प्रशासन को प्रस्ताव नहीं दिया गया। दून के सरकारी मेडिकल कॉलेज में सत्र की मान्यता के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की टीम ने निरीक्षण किया। इस दौरान टीम को कॉलेज में काफी खामियां देखने को मिली। इसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि आखिर सरकारी मेडिकल कॉलेज की मान्यता को लेकर अधिकारी कितने गंभीर हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत पिथौरागढ़ जिले में हुए कार्यों की विकास भवन सभागार में समीक्षा की गई। इस दौरान जिलाधिकारी ने कई कार्यों में अनियमितता पाई, जिसकी तत्काल जांच के लिए डीएम ने आदेश दे दिए हैं। विकासनगर में काल से वन प्रभाग के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का धरना 7वें दिन भी जारी। कर्मचारियों को 15 महीनों से वेतन नहीं मिला, जिसके चलते अलग अलग रेंज में काम करने वाले 2 दर्जन दैनिक वेतन कर्मचारी डीएफओ कार्यालय पर 7 दिनों से धरने पर बैठे हैं। उत्तराखंड के अन्य जीव प्रेमियों के लिए खुशखबरी है। राज्य में बाघों और हाथियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले 2 सालों से राज्य के जंगलों में 78 हाथी बढ़े हैं। वहीं बाघों की बात की जाए तो उत्तराखंड के विभिन्न टाइगर रिजर्व में इस साल 63 बाघों की बढ़त देखी गई है। आज से पितृपक्ष शुरू हो चुके हैं। ऋषिकेश में भी दूर दूर से लोग अपने पितरों के लिए तर्पण और श्राद्ध के लिए पहुंच रहे हैं। सुबह से गंगा किनारे लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। लोग अपने पूर्वजों को तर्पण देने के लिए गंगा किनारे पूजा अर्चना कर रहे हैं। हरिद्वार में श्रद्धालुओं ने अपने पूर्वजों का पिंडदान कर उन्हें याद किया। ऐसी मान्यता कि पितृपक्ष में सभी पितर यमलोक से पृथ्वीलोक पर आ जाते हैं, इसलिए श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध करने का विशेष महत्व माना जाता है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय पहुंचकर समाधान पोर्टल के आईडीवीआर सिस्टम का उद्घाटन किया। क्षेत्रीय भाषा में 1905 टोल फ्री पर दर्ज करा सकते हैं शिकायत। कंगना ने एक चैनल को दिए इंटरव्यू में कई खुलासे किए थे। कंगना के इस खुलासे के बाद आदित्य पंचोली ने कंगना की
हर बात सिरे से खारिज करते हुए कहा कि वो झूठ बोल रही हैं और वो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं। विद्या बालन के फैंस का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया। बेगम जान ने अपनी आगामी फिल्म तुम्हारी सुलू का पोस्टर रिलीज कर दिया है। इस फिल्म को यूथ और फैमिली ओरिएंटेड बताया जा रहा है। पोस्टर में विद्या बालन का अंदाज फिल्म को देखने की बेताबी बढ़ा रहा है। ये फिल्म 1 दिसंबर को रिलीज होने वाली है। कुमकुम भाग्य की पॉपुलैरिटी टीवी प्रेमियों में आज भी वैसी ही बरकरार है जैसी पहले थी। यहां तक कि इस शो की फैन फॉलोइंग देखने के बाद ही जी टीवी ने इस सीरियल का एक सीक्वल सीरियल भी शुरू कर दिया जिसका नाम है कुंडली भाग्य। एक्टर सिंगर पवन सिंह का नाम भोजपुरी के फेमस एक्टर्स में शुमार है। इसके पीछे एक शख्स का हाथ है। वो आज लाइमलाइट से दूर है। एक समय वो भी फेमस सिंगर थे। वो शख्स हैं पवन सिंह के चाचा अजीत सिंह। पवन अजीत को अपना गुरु मानते हैं। पवन सिंह की पहचान लॉलीपॉप गाने से हुई थी। परिणीति चोपड़ा के ट्वीट पर क्रिकेटर हार्दिक पांड्या ने बॉलीवुड और क्रिकेट के लिंक की बात पर अफवाहों पर रोक लगाने के लिए परिणीति ने जल्द ही एक वीडियो मैसेज से सफाई भी दी। परिणीति ने वीडियो में कहा कि मैं आपको फिर से स्पष्टीकरण दे रही हूं, मेरा परफेक्ट पार्टनर कोई और नहीं बल्कि मेरा नया फोन है। अर्जुन रामपाल की फिल्म डैडी 8 सितंबर को रिलीज हो रही है। इस फिल्म में अर्जुन रामपाल गैंगस्टर से नेता बने अरुण गवली की भूमिका निभा रहे हैं। अरुण गवली शिवसेना नेता की हत्या के मामले में जेल में है। इस गैंगस्टर की कहानी दिलचस्प है। कंगना के आरोपों पर ऋतिक जहां चुप्पी साधे हुए हैं तो उनकी पूर्व पत्नी सुजैन खान एक बार फिर उनके बचाव में आ गई। अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए खान ने रोशन को सपोर्ट किया है।